हुआ नहीं। पीएचटीसी सेकंड ईयर की ऑनलाइन क्लास सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत यूनिट टू, जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान का स्वरूप एवं उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हमारा प्रथम है इतिहास का उद्भव और विकास। इस प्रकार से हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से इतिहास का विकास होता है और किस प्रकार से एक विस्तृत विषय के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है, उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इतिहास के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है इससे ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है क्या घटित हुआ, जिसका अर्थ है क्या घटित हुआ, कौन सी कोई भी घटना घटित होती है, किस प्रकार से घटित होती है, उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना होता है। अर्थात इतिहास सार्वजनिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखा जोखा है। इतिहास को हम क्या कह सकते हैं कि एक सार्वजनिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखा जोखा है, जिसमें मुख्य रूप से तीन विशेषता पाई जाती है। पहली विशेषता यह है कि इतिहास के अंदर जो भी घटनाएँ होती हैं वो सार्वजनिक घटनाओं का ये एक रहता है। सार्वजनिक घटनाओं का क्या रहता है, क्रमबद्ध लेखा जोखा रखता है। जैसे घटना जैसे 2010 के अंदर घटित होती है तो उसके बाद में 2010 के बाद वाली घटना, जैसे 2012 में कोई घटना घटित हो जाती है, ऐसी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से उसका लेखा जोखा किसके अंदर किया जाता है, इतिहास के अंतर्गत किया जाता है। उसके अलावा जो घटनाएँ सार्वजनिक घटनाएँ होती है, ये घटनाएँ निरंतर चलती रहती है, ये घटनाएँ निरंतर चलती रहती है। ऐसी घटनाएँ जो सार्वजनिक घटनाएं जो निरंतर चलती रहती है, जैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन जो क्रमबद्ध तरीके से एक से एक जो बारी बारी से चलते रहे, उनका लेखा जोखा रखा गया। वो भी क्या है, निरंतर गति से वो घटनाएं घटित होती थी, पर ये जो घटनाएं घटित होती है वह निरंतर गति से घटित रहती है। इसके अलावा संपूर्ण घटनाक्रम का चित्र स्पष्ट होता है। इतिहास के द्वारा जो घटना घटती है उन घटनाओं का जो चित्र है वो हमारे सामने प्रमुख रूप से स्पष्ट होता है। जैसे हमारे देश के अंतर्गत 1857 का संग्राम हुआ था, उसका जो चित्र है वो आज भी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से हमें हमारे सामने चित्रित है और हम उसकी व्याख्या एक इतिहास के रूप में कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इतिहास की एक मुख्य रूप से तीन विशेषताएँ, जो पहले कौन से थी उसके अंदर क्रमबद्ध लेखा जोखा रहता है, दूसरी चलती रहती है, और तीसरी है वो क्या है, तीसरी में घटनाक्रम का स्पष्ट चित्र होता है। नेक्स्ट है जिसके द्वारा मानव विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से इन तीनों विशेषताओं के द्वारा मानव का जो विकास होता है उसका पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, और इस प्रकार से धीरे धीरे इतिहास का विकास होता है। तो हम कह सकते हैं अतीत की लिखी हुई घटनाओं को इतिहास भी कह सकते हैं, जो अतीत के अंदर घटित होती है। जैसे वर्तमान चल रहा है तो वर्तमान भी कल क्या बन जाएगा, अतीत बन जाएगा, वो भी एक इतिहास बन जाएगा। इसी प्रकार घटनाओं के बीच इतिहास का महत्वपूर्ण संबंध यह होता है कि किसी भी घटनाओं के बीच में संबंध स्थापित करना ही घटनाओं के बीच में संबंधों को स्थापित करना ही इतिहास कहलाता है। घटना घटी किस कारण से घटे, उन कारणों के बीच में संबंध स्थापित करना भी क्या है, एक प्रकार से इतिहास है। इस प्रकार गूगल और डायरी ने इतिहास को परिकल्पनात्मक दर्शन दिया। हमारे जो प्राचीन पश्चिमी देशों के दार्शनिक थे गूगल और डायरी ने, उन्होंने इतिहास को परिकल्पनात्मक दर्शन कहा है। परिकल्पना यानी कल्पनाओं का दर्शन कहा गूगल और डायरी ने। वही प्रोफेसर वॉल्स ने इसे समीक्षात्मक दर्शन नाम दिया। प्रोफेसर वॉल्स नाम के एक दार्शनिक थे, उन्होंने परिकल्पनात्मक दर्शन को कौन सा नाम दिया, समीक्षात्मक। इतिहास को एक समीक्षात्मक दर्शन कहा गया है। समीक्षात्मक दर्शन का तात्पर्य ऐसा दर्शन जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार की समीक्षाओं के ऊपर खड़े उतर सकते हैं, ऐसा दर्शन समीक्षात्मक दर्शन कहलाता है। इसी प्रकार समर्थक क्या कि इतिहास कहीं ना कहीं क्या है, समीक्षाओं का दर्शन है। तथा इतिहास
के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ये प्रकृति हमें जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसकी प्रकृति का स्पष्टीकरण करता है। इतिहास क्या क्या होता है ज्ञान में प्राप्त होता है उसके प्रकृति का स्पष्टीकरण करता है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है, उसका कुछ न कुछ स्पष्टीकरण होता है। तो इस प्रकार से इतिहास एक ऐसा विषय है जो मानव विकास की कहानी को बताता है, तब इतिहास कहलाता है। इतिहास के प्रारंभ तब से होते हैं जब मनुष्य ने लेखन कला को सीखना प्रारंभ किया था। तब इतिहास एक ऐसा विषय है जब मानव जीवन के विकास की कहानी को दर्शाने वाला विषय भी इसको हम कह सकते हैं। जब से मनुष्य के अंदर लेखन कला का आविष्कार हुआ तब से उसने लेखन कला के माध्यम से इतिहास को लिखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से इतिहास का विकास है वो धीरे धीरे इस प्रकार से होने लगा। तो पहले इतिहास हम ताम्रपत्र अभिलेखों के ऊपर लिखते थे, अब इतिहास को हम जैसे ग्रंथों के माध्यम से लिखने लगे। जैसे कागज का आविष्कार होगा तो हम इतिहास को ग्रंथों के माध्यम से लिखा गया। इस प्रकार से इतिहास का विकास है वो धीरे धीरे होने लगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।